देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। संभल कर मैंने कहा था ना कि नहीं जाते, लेकिन आपने नहीं सुनी। देखा, हो गया ना एक्सीडेंट। खैर, आप बिल्कुल सही हैं और इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप भी ठीक हैं और आपकी रुचिता भी। रुचिता? हाँ नियार जी, आपकी रुचिता बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल डरा दिया था मुझे, लेकिन खाटू श्याम जी की कृपा से हम सब ठीक हो गए। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? कौन है तुम? देखिए, आप जो भी हैं निकलिए यहां से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तेरा बहुत कुछ कीमती तुझसे छीन लिया जाएगा। निहार जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं रुचिता। कौन सी था? खैर, अब जो भी था है, मैं आपको नहीं जानता, तो प्लीज आप बेकार में मेरे गले मत पड़िए। हम कौन है ये? और आप इसे मेरे पास कैसे आने दे रही है? भाभी आपकी फ्रेंड है क्या? अरे भाई, दादी, पापा, कोई बताएगा कौन है ये? और मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है ये? बेटा दरअसल ये, बेटा ये हमारे दूर की मेहमान है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तभी आई थी ये, इसीलिए तुम नहीं जानते इसे। जो प्यार इंसान की जिंदगी छीन ले उसे इंसान भूल ही जाता है। मैंने एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर निहार को उसके अतीत की याद दिलाने की कोशिश में उसके दिमाग पर ज्यादा जोर डाला गया या उसको कुछ शौक दिया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सुन ली डॉक्टर की बात? डॉक्टर की बात तो मानोगी या फिर अपनी खुदगर्जी में मेरे बेटे की जान लेकर ही तुम्हारे कलेजे को मिलेगी ठंडक? प्यार करने का दावा करती हो ना तुम मेरे बेटे से, तो सच्ची प्यार की तरह त्याग करना सीखो, जिद में हासिल करना नहीं। खुश रहो। खुश रहो बेटा। पापा जी, निहार जी को जैसे ही कुछ याद आएगा प्लीज मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल बेटा। अब निहार को सपनों में भी तुम्हारी याद नहीं आने दूंगी मैं रुचिता। बाद मैं तुम्हें अपने घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखने दूंगी रुचिता।